वेलकम टू माई चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में मैं आपको टेली एसेंशियल लेवल 2 का कंटेंट बताऊंगी, कौन कौन सा कंटेंट है जो टेली एसेंशियल लेवल 2 के एग्जाम में आता है। एंड आज हम उसी की फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टेली एसेंशियल लेवल 2 का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारी वीडियोस लेवल 2 के ही रिलेटेड होगी। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की लेवल 2 की, तो आप उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड अगर आप सर्टिफिकेशन के लिए एनरोल करवाना चाहते हैं टैली एसेंशियल लेवल 1, 2 या 3 किसी में भी, या फिर तीनों का सम अप चाहिए टैली एसेंशियल कॉम्प्रिहेंसिव के लिए, तो आप उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टैली एसेंशियल लेवल 2 का सिलेबस क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर टैली एसेंशियल लेवल 2 में हमारा जो पार्ट है सारा वो इन्वेंट्री से रिलेटेड है। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री है, जिसमें हमें मास्टर क्रिएशन करना आना चाहिए। स्टॉक का मास्टर क्रिएशन से रिलेटेड आपको स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करना, स्टॉक यूनिट क्रिएट करना, स्टॉक ग्रुप क्रिएशन करना, स्टॉक कैटेगरी क्रिएशन करना, ये सारी चीजें आनी चाहिए। उसके बाद अगर आप अपने स्टॉक को बैच वाइज मेंटेन करना चाहते हैं तो बैच वाइज आप मेंटेन कर सकते हैं। प्राइस लेवल लगाना चाहते हैं प्राइस लेवल लगा सकते हैं। ये सारे ही जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कंटेंट में फीचर जो भी आपको शो कर रहे हैं ऑप्शंस, ये सारे ऑप्शंस मैं करवाऊंगी। इन सब की वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल होंगी। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। जो मास्टर क्रिएशन से रिलेटेड वीडियो ये आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। अभी जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं स्टॉक को बैच वाइज मेंटेन करना। ओके, तो बैच वाइज हम अपने स्टॉक को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसके जो स्टेप्स हैं उसको हम फॉलो करेंगे। अगर मेरा कोई स्टॉक है जिसकी मेरे को बैच वाइज मेंटेन करनी है रिपोर्ट, लॉट वाइज मेंटेन करनी है, वो स्टॉक मेरा कब एक्सपायर्ड होता है मुझे ये भी मेंटेन करना है, तो उसके लिए मैं इस फीचर का यूज करती हूँ। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले प्रेस करते हैं F11 एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है इनेबल बैचेस। इसको मैं यस करती हूँ। जैसे इसको यस करूंगी मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, ये ऑप्शन मेरे पास हाईलाइट हो जाएगा। इसको भी यस कर दूंगी। इसको यस करने के बाद एक्सेप्ट करा स्क्रीन को, एक्सेप्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर मास्टर्स में क्रिएट करती हूँ स्टॉक आइटम, जिस आइटम के लिए मुझे अपना लॉट वाइज रिपोर्ट मेंटेन करना है वो स्टॉक में यहाँ पे क्रिएट करती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे एक आइटम क्रिएट करी क्रोसिन सिरप, ये मेरी एक आइटम है मेडिकल मेडिसिन है मेरी। यूनिट मैंने यहाँ पे बना ली स्ट्रिप, क्योंकि मैं इसको स्ट्रिप में ले सकती हूँ, या फिर ये तो सिरप है तो हम इसको नंबर्स में या फिर पीसेस में भी ले सकते हैं। मैं इसका नंबर्स ले लेती हूँ। अगर आपकी मेडिसिन जो है वो अगर स्ट्रिप में है तो आप स्ट्रिप की यूनिट भी बना सकते हैं। एंड यहाँ पर जैसे आप यूनिट देंगे ना, आपके पास मेंटेन इन बैचेस का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ यही आता है कि जो आप आइटम क्रिएट करते हो उसमें मेंटेन इन बैचेस का ऑप्शन कब अवेलेबल होता है, वो तब अवेलेबल होता है जब आपकी यूनिट आपने दी होगी। अगर आप यूनिट यहाँ नॉट एप्लीकेबल लेंगे ना, आपको नीचे कोई ऑप्शन शो नहीं करेगा। ओके, तो यूनिट देना तो वैसे भी कंपलसरी होता है, तो तभी आपके पास मेंटेन इन बैचेस का ऑप्शन आता है। इसको यस करते हैं तो और भी ऑप्शन आ जाते हैं। ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप स्टॉक की मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस कर देते हैं। यूज एक्सपायरी डेट्स, इस ऑप्शन को यस कर देते हैं। एंड इसके थ्रू अब आप बैचेस जो हैं वो मेंटेन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट सारी चीजें आप मेंटेन कर पाएंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब मैं यहाँ पर वाउचर्स पे आती हूँ, परचेस करूंगी कोई भी स्टॉक जो भी मैं परचेस करूंगी। पार्टी क्रिएट कर लेती हूँ यहाँ पर, जिससे भी मैंने परचेस किया है वो मैंने पार्टी क्रिएट कर ली। एंड इसको मैंने दे दिया ग्रुप अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स। एंड यहाँ पर मैं परचेस का लेजर क्रिएट कर लेती हूँ, तो मैंने यहाँ पे परचेस का लेजर क्रिएट कर लिया। परचेस का लेजर क्रिएट करने के बाद स्टॉक मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड ही था, क्रोसिन सिरप मैंने लिया। यहाँ पर देखिए मेरे पास आता है बैच नंबर। बैच नंबर यहाँ पर आप लेंगे, न्यू नंबर पे एंटर करेंगे, यहाँ पे आप बैच नंबर डाल देंगे। जो भी आपके स्टॉक का लॉट नंबर होगा ना, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सपोज मैंने SA101 डाल दिया। क्वांटिटी कितनी है, मैंने कहा 200 क्रोसिन सिरप मेरे इस बैच में आई है। और इसका प्राइस कितना है, 50 रुपीज पर पीस है, तो 50 रुपीज पर पीस के अकॉर्डिंग मैंने डाल दिया। मैन्युफैक्चरिंग डेट में अप्रैल की ही डेट आ रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं एंट्री 1 अप्रैल में कर रही हूँ ना, इस वजह से ये मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 अप्रैल ही पिक कर रहे हैं। बट जरूरी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डेट तो कोई भी हो सकती है। अगर आप एजुकेशन मोड में काम कर रहे हैं तो हाँ, आपको 1 और 2 के अकॉर्डिंग ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज हम यहाँ पर नॉर्मल डेट डाल देते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया 2nd ऑफ जनवरी। ओके, और एक्सपायरी डेट कुछ भी डाल सकते हैं हम यहाँ पे,
31/12/2023, ये मैंने यहाँ पे एक्सपायरी डेट डाल दी। तो आपको यहीं पर मतलब एट द टाइम ऑफ एंट्री ही आपके पास तीनों ऑप्शन आ गए, बैच नंबर डालने का, मैन्युफैक्चरिंग डेट डालने की और एक्सपायरी डेट डालने की। ओके, एंड हम यहाँ पे इसको कर देंगे एक्सेप्ट। एंट्री को अब आपने एक्सेप्ट करना है, तीनों ऑप्शन आप ऑलरेडी दे चुके हो। ओके, इसको एक्सेप्ट किया, एंड एक्सेप्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे अपनी रिपोर्ट चेक करेंगे डिस्प्ले में। जैसे आप डिस्प्ले पे आएंगे, यहाँ पर इन्वेंटरी बुक्स पे आपको एंटर करना है। पाथ आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिपोर्ट को हमें कैसे चेक करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस पाथ वाले ही आते हैं। ओके, तो इन्वेंटरी बुक्स पे आना है, बैच पे आना है। यहाँ पे आपको नेम ऑफ आइटम शो हो जाएगी, नेम ऑफ बैच पे भी यहाँ पर आपको SA101 अपने बैच का नेम पता चल जाएगा। आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो आइटम है कितनी इनवर्ड है, कितनी आउटवर्ड है, बैच नेम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी बैच से रिलेटेड। ओके, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। क्लियर है? एक चीज और, अगर आप ये सारी आइटम बैच वाइज देखना चाहते हैं एक ही स्क्रीन पे, जैसे मैंने अभी क्या किया कि मैं इन्वेंटरी बुक्स पे गई, बैच पे गई, यहाँ मेरे को आइटम भी सिलेक्ट करनी पड़ी, फिर नेम ऑफ बैच भी सिलेक्ट करना पड़ा, तब जाके मेरे को एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट दिखी, या यहाँ पर भी शो कर दिया है। बट अगर मैं अपनी सारी आइटम्स को एक साथ देखना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी पे आती हूँ, एंड यहाँ पे एजिंग एनालिसिस पे आती हूँ। एजिंग एनालिसिस पे आने के बाद मैं प्राइमरी पे एंटर करूंगी, मेरे पास यहाँ पे जितनी भी आइटम्स होंगी ना सारी मेरे को शो करेंगी, एंड डिटेल के लिए मैं प्रेस करूंगी Alt F1 प्रेस करूंगी, तो मुझे इसका बैच नंबर शो हो जाएगा और एक्सपायरी डेट शो हो जाएगी, एंड इसके अंदर मैंने जितनी भी आइटम्स ली होंगी, क्योंकि मैं प्राइमरी पे ही एंटर कर रही हूँ ना, मैंने तो कोई स्पेसिफिक ग्रुप नहीं लिया, तो मैं प्राइमरी पे ले रही हूँ, तो जितनी भी आइटम्स मैंने इसमें ली होंगी सबकी एक्सपायरी डेट और बैच नंबर मेरे को इस स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ओके, तो ये प्रोसेस होता है अपने स्टॉक की बैच वाइज रिपोर्ट मेंटेन करने का, एंड एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट रिपोर्ट मेंटेन करने का। ओके, तो आई थिंक ये टॉपिक आपके लिए यूजफुल रहेगा। Thank you so much for watching this video.